हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल के लिए क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक आईआरटी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एससीएफ एंड एलसीएफ का फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब एससीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जाने थे। फिर क्या जाने थे कि एससीएफ और एलसीएम के बारे में पूरा डिटेल जाने थे, इसमें भी तीन विधि से जाने थे, इसमें भी तीन विधि से। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन हल करेंगे। क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन एससीएफ और एलसीएफ पे हल करेंगे। और पार्ट वन में क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, हम पार्ट वन में आपको दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। फर्स्ट सूत्र बताया था जब एससीएफ एंड एलसीएम फ्रिक्शन वैल्यू दिया, मतलब भिन्न में दिया गया हो। जैसे मैंने क्या कहा, जब एससीएफ एंड एलसीएम फ्रिक्शन में दिया गया हो, जैसे किसके रूप में, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं, एक्स अपान वाई, फिर जेड अपान पी मान लेते हैं, फिर आर अपान यस, जैसे यही होता है फ्रिक्शन में, ठीक है। या यहाँ कुछ संख्या भी ले सकते हैं, आप संख्या ले सकते हैं, संख्या क्या लेंगे, टू अपान थ्री, फोर अपान फाइव, सिक्स अपान एट, ठीक है। या अब इसी के हिसाब से आप एससीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने बताया था जब अंश अपान हर के मतलब दिया गया हो तो आप इसका एससीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब आप एससीएफ निकालेंगे अंश अपान हर का तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था अंश का जब यहां एससीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा, एससीएफ बटे एलसीएम। मैंने कहा था जब एससीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर भी एससीएफ और नीचे एलसीएम, और जब एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, मैंने कहा तो जो यहां रहेगा वो ऊपर हो जाता है, यहां एलसीएम बटे एससीएफ। अब समझिए, ये मैंने सूत्र बताया था दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र था ये सब। मतलब मैंने क्या बताया, यहां अंश अपान हर, यहां भी अंश अपान हर, इससे तो कोई मतलब है नहीं। इसे फिर भी हम जब एससीएफ निकालेंगे, जब फ्रिक्शन वैल्यू दिया गया होगा तो जब हम लोग एससीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंश का ऊपर वाला का, तो पूरे अंश दो चार छह, इसका क्या निकालेंगे, एससीएफ। जब एससीएफ निकाला जाएगा किसी भी फ्रिक्शन वैल्यू का, जब एससीएफ निकाला जाएगा तो उसके अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, एससीएफ। तो टू फोर सिक्स का एससीएफ निकालेंगे भाग विधि से, फर्स्ट मेथड जो है। तो इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे दो कॉमन की दो, सब मतलब जो दो संख्या है वो सबसे सबको काट दे रही है, तो वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। फिर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, तो आप कहेंगे एक है तो एक से कर सकते हैं, फिर वही संख्या आएगी, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो कह सकते हैं इन तीनों का जो एससीएफ होगा वो कितना होगा, दो होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू अपान। अब थ्री फाइव एट का क्या निकालना हम लोग को, एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, या कह सकते हैं एलसीएम। अब थ्री फाइव एट का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, थ्री फाइव एट। मैंने इसको पहले वीडियो में बताया था कि लास्ट में हमको वन 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 लाना है, कितनी भी संख्या, दो तीन चार पाँच, लास्ट में हमें वन 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 लाना है। तो देखिए इसको किससे पहले डिवाइड करेंगे, टू से, तो थ्री फाइव फोर, ठीक है, क्या जाएगा, थ्री फाइव फोर, फिर टू से डिवाइड करेंगे, थ्री फाइव टू, फिर टू से डिवाइड करेंगे, थ्री फाइव वन, अब फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, वन फाइव वन, फिर फाइव से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, वन वन वन। मैंने लास्ट बताया हूँ आपको कि वन वन आना चाहिए एलसीएम में। अब देखिए इसका कितना आएगा, पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह दुना तीस, दुना साठ, दुना एक सौ बीस, एक सौ बीस आ गया। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपान सिक्सटी, मतलब जो इसका एलसीएफ कितना आ गया, टू अपान थ्री, फोर अपान फाइव, सिक्स अपान एट का एलसीएफ कितना आ गया, एससीएफ आ गया आपका वन अपॉन सिक्सटी, ठीक है। अब इसी की तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए टू फोर सिक्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि जब एलसीएम निकाला जाता था तो अंश का एलसीएम, और जब एससीएम निकाला जाता तो अंश का एससीएम। तो टू फोर सिक्स अपॉन वन टू थ्री, टू वन वन थ्री थ्री, तीन दो छह दो बारह, तो इसका जो बारह आ गया मतलब ऊपर वाले का एलसीएम। और एससीएफ क्या होगा आपको पता होगा, थ्री फाइव एट, इसमें क्या कॉमन है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो थ्री फाइव एट तीनों को काट सके, इसी नाते इसके लिए हम क्या मानेंगे, एक, तो आ जाएगा बारह अपान वन, आपका जो ए आ जाएगा एलसीएम इनका बारह अपान वन, ठीक है। तो ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, बस हम आपका रिविजन करवा रहे हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं, एक सूत्र मैंने आपको और बताया था,
मैंने बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। मैंने सूत्र बताया था और बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक आईआरटी के लिए, पॉलिटेक्निक आईआरटी के लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन डिजिट दिया जाएगा आपको, एक डिजिट का वैल्यू पूछेगा, कोई भी तीन, या तो फर्स्ट सेकंड दिया जाएगा या एलसीएम दिया जाएगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ एलसीएम दिया जाएगा दूसरी दिया जाएगा तो फर्स्ट पूछेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग आज हम लोग को क्वेश्चन हल करना है 15 क्वेश्चन हल करना है, जो आपका पूरा एलसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री या तो फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आपका अनुपात और समानुपात और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 24, 36 और 60 में से क्या होगा, मतलब कहा है महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। मैंने कहा था में से पूछे या एचसीएफ पूछे या कह दे महत्तम समापवर्तक पूछे, ठीक है। यहां देखिए क्या दिया है, में से मतलब महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कुछ भी कहे, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें कह दिया है 24, 36 और 60 का मैं से निकालिए, तो हम लोग 24 लिख दिए, 36 लिख दिए और कितना लिख दिए 60। इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको कितने मेथड से बताऊंगा, दो मेथड से, तो आप जो अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट मेथड इधर कर देते, सेकंड यहां। इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या पहले आपसे बताए थे, अगर दो संख्या तीन संख्या चार संख्या मतलब इनफाइनाइट तक दिया गया हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो कॉमन होगा तीनों में या चारों में या पांचों में छह में, तो उसी को हम लोग बाहर करेंगे। अब यहां देखिए 24, 36 और 60 दिया गया है, तो अगर मैं इसे दो से डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएंगे, तो 12 क्या आ जाएगा, 18, 30, फिर दो से डिवाइड करेंगे 6, 9, 10। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा इस तीनों संख्या दो से डिवाइड नहीं होंगी, तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये सब देखेंगे 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 एक आ जाएगा, 3 एक आ जाएगा, 5। तो अब ऐसी 2, 3 और 5 कोई ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो, 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता, तो आप कह देंगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2, 3 और 5 तीनों को डिवाइड करें। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे 2 × 2 × 3, तो आ जाएगा 24, 36 और 60 का एचसीएफ, 4×3 = 12, मतलब 12 आएगा। आपका आंसर कितना गया, 12 है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे आप 12 आंसर दिया। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड मेथड पे, देखिए उससे भी 12 ही आएगा। हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, किसी भी मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो उसका जो बेस होता है फर्स्ट वीडियो होता है। आप कहीं पढ़िए फर्स्ट वीडियो, किसी का मत समझ इसके लिए, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत होता है। तो हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यानी कि आपका आंसर इसका 12 इस मेथड से, इससे भी 12 है, 24, 36 और 60 दिया है, इसका मैं हमको निकाल है। तो मैंने आपसे बताया हूं, जो इसमें से एक दो संख्या लेंगे, एक तो छोटी एक बड़ी, कोई भी दो संख्या, इसको या इसको इसको, उससे लेंगे सबका आंसर सेम आएगा। जब दो संख्या लेंगे जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, मैंने क्या कहा, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, तो इसमें बड़ी क्या है दोनों में 36, तो और छोटी क्या 24, तो 24 से 36 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार जाएगा 24, तो ये कितना बचेगा 16 मशीन 4 जाएगा कितना बचेगा, अब कहेंगे 6 मशीन 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 1, तो जो इसका शेषफल होता है, अब इसके लिए क्या हो जाता है, ये यहाँ लग जाता है और इसको यहाँ हम लोग उतार देते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो 12 × 2 = 24। अब कहेंगे जो पहले भाजक था अब इस समय भाज्य हो गया, और जो शेषफल है इस समय भाजक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है, तो आ गया 12 × 2 = 24। तो आप कह सकते हैं इसका एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया, तो इससे भी आ गया इससे भी, पर सबसे सिंपल ये होता है ये भी होता है, ठीक है। अब चेंज इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, 36, 48 का लेस है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 36, 48 का लेस है, तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसको हम दो से डिवाइड करेंगे 24
चौबीस, फिर इसको करेंगे दोनों 18, फिर यहाँ 12, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1, 4, फिर 4 से डिवाइड, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है किसी भी संख्या से डिवाइड करिए कोई कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 36, 36 × 72 = 72, 144, 72 दुना कितना आ गया आपका 144। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए मैंने क्या किया यहाँ 2 × 2 × 3 × 3 × 4, इसका जो गुणा करा के आता है इसमें 2 × 2 = 4, 12, 12 × 3 = 36, 36 × 4 = 144, तो आंसर आपका गया 144। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका इज करेक्ट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने जो आपको थर्ड नंबर सूत्र बताया उसी सूत्र पे आगे क्वेश्चन देखिए दिया है। दो संख्याओं का लेस है इतना दिया गया है, मैस है इतना दिया गया है, यदि इनमें से एक संख्या का वैल्यू तो दूसरी संख्या, मैंने आपको पहले सूत्र बता दूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे पॉलिटेक्निक। देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, ठीक है। ये मैंने आपको सूत्र बताया हूँ, 3 बार लिख चुका हूँ कल से आज तक, ठीक है। तो आप देखिए मैंने कहा था इसमें से 3 डिजिट दिया रहेगा, 1 डिजिट का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसमें दे दिया है पहले एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू कितना दिया है 864, चलिए लिख देते हैं। और एचसीएम कितना दे दिया हम लोग का, एचसीएम मतलब मैस है 144। और फिर उसके बाद इनमें से एक संख्या मतलब एक संख्या कोई भी संख्या, इसको या इसको मान ले कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट संख्या कितना दे दिया है 288, फर्स्ट संख्या कितना दे दिया है 288 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या की वैल्यू पूछा है, हमने कहा था 3 का मान दिया गया है और इसका मान पूछेगा, तो इसका मान जो है यहाँ पुट कर। लेकिन मैं आपकी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अगर करेंगे एग्जाम में तो आपको पता होगा, अगर सूत्र तो यहाँ लिखेंगे कि इधर एचसीएफ एचसीएफ होता है तो दंड दंड यहाँ लिख दिए एचसीएफ एचसीएफ, 864 इंटू एचसीएफ कितना दिया 144, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ क्या फर्स्ट संख्या 288, फर्स्ट संख्या कितना लिखेंगे आप 288, और क्या हमको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू हमें दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या x मान सकते हैं या दूसरी संख्या को सेकंड ही रहेंगे। अब देखेंगे हम इसको काट देंगे, क्या करेंगे, अब देखिए हम 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे काट देते हैं, फिर 4 से काट देते हैं, नहीं 12 से काट देते, देखिए 12 × 144 मतलब 12 × 144 होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, अब यहाँ 12 × 6 = 72, फिर इससे काट देंगे 2, अब इसका गुणा करा देंगे, इसमें क्या कराएंगे, इसमें गुणा 6 × 12 = 1, 2 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, तो आंसर कितना आ गया आपका दूसरी संख्या 432। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला इज करेक्ट आंसर। देखिए एक बार और समझिए, एलसीएम दिया गया, एचसीएम दिया गया, फर्स्ट संख्या दिया गया, हम लोग को सूत्र पता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमें देखिए यहाँ एचसीएफ का वैल्यू हम लोग लिखे 144 और एलसीएम का 864, और फर्स्ट संख्या 288 और सेकंड संख्या का वैल्यू क्या देना, हमने पहले इसको क्या किया 4 से काटा, तो 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, और फिर इसको 4 से काटे, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, फिर इसको कितने से काटे 12 से 12 = 72, और 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, मतलब 12 आ गया, फिर इसको 6 से 12 काट दिए, 6 × 2 = 12, 2 आ गया, 216 में 2 से गुणा कराए तो 432 आ गया, तो ऑप्शन नंबर का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप इसको एक बार अपने मन से लगाइएगा, ठीक है, आपको अच्छे से याद है, सूत्र तीनों याद रख लीजिए, इसी सूत्र पे पॉलिटेक्निक आईआईटी में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन, देखिए फिर कोई क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमा दिया, क्या दिया है, दो संख्याओं का लेस है तथा उनका मैस है 14 गुना, क्या दिया, दो संख्याओं का जो लेस है तथा लेस है उनके मैस है का 14 गुना, जो दो संख्याओं का लेस है जो है वह मैस है का 14 गुना है, मान लीजिए लेस है जो है मैस है का कितना गुना है, मैस है का 14 गुना है,
ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, कहा क्या है वही सूत्र अपन मतलब हम लोग का सूत्र ही लगेगा, पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हाई कर दिया। देखिए ये आईआरटी में पूछता है, पॉलिटेक्निक में पूछ सकता है, कुछ दिया है दो संख्याओं का जो लेस है उसके मैं से क्या 14 गुना है, जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 14 गुना, तो यही तो होगा। फिर आगे क्या कहा, लेस है और मैस है का योग, देखिए क्या दे दिया, लेस है मतलब क्या सकल से एलसीएम प्लस एचसीएफ, जो इनका योग कहा है वो क्या इतना कहा 600 है, तो यहां रख देंगे 600। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा हम लोग ऐसे ऐसे करते चलेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्या कहा है, यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए, बहुत सही, हम लोग को एक डिजिट दो डिजिट और तीसरी डिजिट, यदि एक संख्या फर्स्ट संख्या कितना दे दिया 80, फर्स्ट संख्या कितना दे दिया हम लोग को, फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू 80। अब हम लोग से पूछा क्या है, सेकंड संख्या की वैल्यू याद कीजिए, डिफाइन टू सेकंड संख्या मतलब हमें सेकंड संख्या का मान ज्ञात करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहां से एलसीएफ एचसीएफ दिया गया है और हमें लेस इज इक्वल टू मैं से प्लस, अब इसमें हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए लेस इज इक्वल टू दिया है मैं से प्लस 14, तो यहां से मैं से का वैल्यू निकालेंगे तो लेस का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हम लोग किस सूत्र क्या बताए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मैंने आपको सूत्र बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लेस इज का मान रख देंगे, मतलब एलसीएम होता है, इसका मान यहां रख देंगे, ठीक है। मैस इंटू 14, तो मैस मतलब एचसीएफ इंटू 14 प्लस, और ये क्या है एचसीएफ ही है, ये देखिए प्लस है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 600। अब देखिए यहां 14 एचसीएफ है और यहां एक एचसीएफ है, तो कितना हो जाएगा 15 एचसीएफ, मतलब कह सकते हैं 15 मैस है, छह सौ, ठीक है। अब 15 चौके 60, तो आप यहां से एचसीएफ की वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है, कितना पता चल गया 40। अब जब हमें एचसीएफ की वैल्यू पता चल गया तो हम एलसीएम की वैल्यू निकल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी में रख देंगे, देखिए रख देते हैं, इसका तो हम लोग को काम खत्म, अब इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमें जब एचसीएफ पता चल गया तो एलसीएम आराम से निकाल लेंगे, यहां क्या करेंगे मैं से क्या वैल्यू हमें पता है 40 गुणे 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 14 चौके 56, मतलब कितना आ जाएगा 560। देखिए आपको एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, फर्स्ट संख्या पता चल गया, सेकंड संख्या निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू 80, सेकंड संख्या तो निकालना है तो इसको एक्स मान सकते हैं, एलसीएम हमारा कितना है 560 और एचसीएफ हमारा कितना है 40, इसको अब हम लोग इधर से मिटा देते, क्योंकि आप इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हमें पता चल गया था एलसीएम कितना है 560, एचसीएफ कितना है 40 और हमें फर्स्ट संख्या क्वेश्चन में दिया है 80, तो इसमें हमें वैल्यू किसका निकालना है सेकंड संख्या का, तो इसको काट देंगे, 8 बचे 40, अब इसका गुणा कराएंगे 5 6 30 5 25 25 3 28 280, मतलब दूसरी संख्या आ गई आपकी कितनी 280। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको लगा होगा कि इस तरह से, अब इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो आप कहेंगे सर बताए नहीं थे, तो इसी नाते से हर टाइप के क्वेश्चन इसलिए बता दिया जाता कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैंने बताया था सूत्र फर्स्ट में कि अगर फ्रिक्शन दिया हो या भिन्न में दिया गया हो तो उसका हम लोग एचसीएफ एवं एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पूछा है 2/3, 4/9, 5/6, 7/12, इसका क्या निकालना है हम लोग को, लघुत्तम समापवर्तक, जब लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है मतलब क्या लेस, या कह सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था जब एलसीएम पूछेगा तो उसके लिए सूत्र क्या बताया था मैंने, यहां जब एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर सीधे एलसीएम बटे नीचे एचसीएम, अंश अपान हर वो तो आप समझ ही सकते हैं, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, तो ये हम लोग इस मतलब क्वेश्चन पे लगाएंगे, तो अंश का एलसीएम ऊपर का एलसीएम तो निकालेंगे 2, 4, 5, 7, इसका एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 5, 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 5, 7,
इन फाइव से डिवाइड करेंगे 1 1 1 7, इन 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, तो आप कहेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 5 7, इसका गुणा करा देंगे हम लोग, 2 2 4 4 5 20 20 7 140, 2 × 2 × 5 × 7 = 140। तो आप कहेंगे कि जो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, अभी स्टार्टिंग में बताया हूँ, अंश अपान हर, अंश में एलसीएम बटे हर में एचसीएफ, अगर इसी का पूछा होता एचसीएफ, देखिए मैं आपको इतना बार फार्मूला एचसीएफ, तो यहाँ क्या लिखते हैं एचसीएफ अपान एलसीएम, एचसीएफ अपान एलसीएम क्यों नहीं, जो पूछा जाता है उसको पहले लिखते हैं और जो नहीं पूछा जाता, जब एचसीएफ और एलसीएम की बात आएगी तो जो पूछा जाएगा उसको पहले, मतलब अंश का वो चीज निकालेंगे जो पूछा गया और हर का वो चीज जो नहीं पूछा गया, ठीक है। ये तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आ गया अंश का 140 लिख दिए, अब हर का क्या करेंगे हम लोग, हर का एचसीएफ निकालेंगे 396 और 12, तो 396 12 का, अब इसको हम क्या करेंगे मिटा देते हैं, ठीक है आप नोट कर लीजिए, देखिए 396 12, अभी ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को चारों को काट सके, अब हम कहेंगे दो 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 मतलब 6 को काटेगी और 12 को, 3 और 9 को नहीं काट सकती, तो 6 और 12 को नहीं काट सकते, अब जाएंगे 3 के पास जाएंगे तो देखेंगे 3 इन 3 4 को काट सकती है, अब कहेंगे 3 में तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 3 आ जाएगा, और 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, अब 12 भी तो 3 से कट जाएगा, तो अब हम कहेंगे कि जो 3 संख्या है वो 3 4 को डिवाइड कर सकती है, तो 3 को 1 3 2 4, अब कोई ऐसी संख्या जो 2 4 3 को डिवाइड कर सके, अगर 2 4 को तो 2 डिवाइड कर देगी, पर 3 को 2 डिवाइड कर पाएंगे नहीं, तो इसी वजह से इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, आते हैं हम लोग इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ एचसीएफ 3 होगा, तो इसको यहाँ 3 लिख देंगे, तो आ जाएगा आपका 140/3, यही आपका एलसीएम होगा, फ्रिक्शन वैल्यू का एलसीएम फ्रिक्शन में ही आता है, देखिए कितना आ गया 140/3, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, 6/25 4/5 16/15 का मैं से क्या हो, देखिए बेस एकदम सेम है, आप इसके आधार पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप इसको लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है, देखिए 6^-8, ठीक है, फिर क्या दिया है 6^-10, फिर क्या दिया है 6^12, क्या निकालना है हमें इसका, मैसे मतलब क्या पूछा गया, यस सी एफ, अब ऐसी संख्या दी गई हो और उसमें माइनस हो और प्लस हो, इसमें एलसीएफ और एलसीएम दोनों आप जान जाइए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है मैसन, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे तीनों विभाजित हो सकती है, ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या 10^-8, नहीं, क्योंकि जब माइनस के साथ क्या होते हैं, देखिए जैसे -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे -1 बड़ा है, तो -8 और -10 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे -8 बड़ा, तो मैंने बताया क्या है एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन है, आप कहेंगे -10 इसके पावर होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, तो 10^6^-10, इसका सीधा सीधा जिसमें दिया होगा माइनस और पावर दिया है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, उसका एचसीएफ हो जाएगी, और जब एलसीएम पूछ लिया जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 6^12, तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं उसका एलसीएम, और सबसे छोटी संख्या को क्या कह देते हैं उसका एचसीएफ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का लय से क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो संख्या हमने आपको वही सूत्र बताया था, देखिए क्या बताया था मैंने, दो संख्याओं का योगफल दे दिया, मान लीजिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे दिया 45, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, संख्याओं का अंतर उनके योगफल, संख्या चेंज नहीं हुई है,
इन्हीं संख्याओं का अंतर, क्या कह रहा है, इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल, उनके योगफल का कितना गुना दिया है, 1/9। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, संख्याओं का लैस क्या होगा, हमें फर्स्ट का वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे पॉलिटेक्निक आईआईटी के प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसका हमें पहले निकालेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। अब इसका जो हमें वैल्यू पता है कितना, 45, तो फर्स्ट माइनस सेकंड 45 रखेंगे, 1/9 तो क्या आ जाएगा, 5 फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड। ठीक है, ऐड करने पर अब देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में दे रहे हो, ऑप्शन होगा, ये तो आपको थ्योरेटिकल एकदम पूरा लिखना नहीं है, डेरिवेशन तो आप कर नहीं रहे हैं, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत भी नहीं, आप ऐसे सीधा जोड़िए जो करिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ प्लस, इसमें क्या होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2i मतलब दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो फर्स्ट संख्या का मान कितना हो जाएगा, 25, इससे कट जाएगा। तो जब फर्स्ट संख्या 25 आ गया तो सेकंड संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट संख्या देखिए फर्स्ट संख्या 25 आ गया, सेकंड संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, कितना आ जाएगा, 45। तो सेकंड संख्या कितना आ जाएगा, हम लोग का यहाँ 25 को इधर करेंगे तो 45 माइनस 25 कितना बजेगा, 20, मतलब सेकंड संख्या 20 आ गया और फर्स्ट संख्या 25 आ गया, और इन्हीं 20 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाला, यही पूछा गया संख, तो इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से 4, 5 फिर 4 से 4 सॉरी 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 तो आप देखेंगे 5 और 20, 20 5 100, तो क्या आ गया उनका एलसीएम, 100। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन, ए बी सी और एक्स वाई जेड का मैच से क्या होगा, देखिए इसमें क्या दी है, सब अचर पद दिया गया है, ए बी एक शब्द दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसका क्या दिया, पूछा गया है मैच, अगर इसका मैच पूछा गया है तो इसमें कोई संख्या कॉमन होना चाहिए, कॉमन मतलब इस दोनों में कोई संख्या कॉमन, इसमें भी नहीं कोई संख्या कॉमन है ना, इसमें ही कि इसमें ए है इसमें भी है, तो इसका सीधा सीधा मैच कितना हो जाएगा, आप कह देंगे इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का पूछ लिया जाता लेस है लघुत्तम समापवर्तक तो वो क्या हो जाता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, एलसीएम तो इतना हो जाता और एचसीएफ 1 होता, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था जो अगर 2 हो 3 हो 4 हो 5 उनमें जो सबसे कॉमन होगी उसी वही उनका एचसीएफ होगा, और एलसीएम में क्या होता है उस कुल संख्या उसमें आ जाना चाहिए, मैंने कहा था लास्ट में 1 होना है, तो इसका हम लोग एलसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो पहले ए से डिवाइड करेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर एक्स से, फिर वाई से, फिर जेड से, तो जो उसका एलसीएम आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड, ये तो एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ इसका बनाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखिए क्यों, क्योंकि अब आपका एक टॉपिक बचा है जैसे शेषफल, जैसे किसी संख्या को 26 से विभाजित किया गया तो उसका शेषफल इतना आता है तो उस पर क्वेश्चन लगाया जाएगा, जैसे शेष पे आएगा तो उसका मैसेज ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ज्यामिति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब पढ़ लिया जाएगा, फिर उसके बाद अनुपात समान पर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपका एक काम है कि इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए कि आपका पॉलिटेक्निक आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमको नेक्स्ट।